गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम नए चैप्टर के साथ हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन में जो है क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, ठीक है। तो मेंसुरेशन में बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे लाइनिंग हुआ, सर्कल हुआ, ट्रेक्टेंगुलर हुआ, और क्या कहते हैं ट्रेंगुलर हुआ, डिफरेंट सारा जितने, ठीक है, मेंसुरेशन उसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो पहले आज हम स्टार्ट, टाइम कम लैप्स किए हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले रेखा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़, क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, ज्यामिति गुण, ज्यामिति गुण, ठीक है, ज्यामिति ज्यामिति गुण, ठीक है। उसको लिख सकते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले ज्यामिति गुण क्या होता है उसको हम डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट ज्यामिति गुण क्या है, क्षेत्रमिति के मध्यम से पूर्व रेखा, कोण, त्रिभुज तथा वृत्त का ज्ञान हो आवश्यक। ज्यामिति में क्या होता है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, रेखा होता है, कोण होता है, त्रिभुज होता है और वृत्त होता है। ये सब का जो है ना नॉलेज होना आपको आवश्यक होता है। अगर ये सब चीज़ नहीं रहा तो आप फिर आगे का जो क्वेश्चन आएगा उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं ऐसे, क्षेत्रमिति के माध्यम से पूर्व रेखा, कोण, त्रिभुज तथा वृत्त का ज्ञान होना आवश्यक है। ये हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट, ये तुम्हारा बेसिक हुआ कि आपको क्षेत्रमिति में क्या कहते हैं रेखा के बारे में, त्रिभुज के बारे में और वृत्त के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलिए रेखा पे चलते हैं, रेखा और रेखाओं के गुण, ठीक है, रेखाओं और कोणों के गुण, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले तो हम रेखा यानी कि रेखाओं और रेखाओं के गुण यानी कि इसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन एंड एंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं रेखा, ठीक है, रेखा मतलब लाइन क्या था, दो बिंदुओं के मध्य खींची गई, देखिए पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं उसका फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। दो बिंदुओं के मध्य खींची गई आकृति रेखा कहलाती है। रेखा की केवल लंबाई होती है, सही बात है, रेखा की सिर्फ लंबाई होती है और मोटाई एवं
चौड़ाई नहीं होती। तो चलिए देखिए हम क्या यहाँ पर लिखे हैं, दो बिंदुओं, जैसे एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया, दो बिंदु हो गया, दो बिंदुओं खींची गई आकृति हम खींच लेते हैं रेखा कहलाती है। अब इस बिंदु से इस बिंदु को जो मिला हमारा, जो पॉइंट हम मिला रहे हैं, तो इसी को हम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम रेखा कहते हैं, ठीक है। और इस रेखा का जो है ना सिर्फ लंबाई होता है, इस जो लाइनिंग जो हम खींचते हैं उसका सिर्फ लंबाई होता है, ना कि चौड़ाई उड़ाई मोटाई उटाई कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा यह क्या होता है, यह क्या कहते हैं, सीधी हो सकती है, प्रॉपर्टी चलते हैं, यह सीधी सीधी हो सकती है, टेढ़ी हो सकती है, जैसे सीधी मतलब स्ट्रेट हो गया, टेढ़ी मतलब ऐसे ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। चलिए ये तो हमने ना कर दिया। अब पेज चलते हैं दूसरा पेज पे। अब इसमें अब और चलते हैं कि देखिए और क्या है कि अब एक बिंदु है, एक बिंदु से अब रेखा खींचना है, तो एक बिंदु से हम कितना रेखा खींच सकते हैं, अनंत रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। एक बिंदु से हम अनंत रेखा खींच सकते हैं। अब जैसे कि हम एक इधर खींच सकते हैं, 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 जो कि सेंटर से मिल रहा है, एक इधर खींच सकते हैं, एक इधर भी 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 खींच सकते हैं। तो आप काफ़ी संख्या में एक बिंदु से काफ़ी रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमको इसको एक्सप्लेन करना है तो लिख सकते हैं कि अब ऐसे हम दिखाते हैं, एक थोड़ा सही लगे, दो तीन चार पाँच छः, तो हम इसको और लगते हैं ए बी सी डी ई और एफ नोट कर दिया, ठीक है। करते हैं क्या, अब इसको हम लिखते हैं, ठीक है। एक बिंदु से कई रेखाएं खींचा जा सकता है, तो पता है एक बिंदु बिंदु से एक बिंदु से कई रेखाएं रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ ई टी सी और बहुत ज़्यादा, जितना अनगिनत खींच सकते हैं इसे, ठीक है। ये हमारा हो गया। दूसरा है, दूसरा प्रॉपर्टी और एक चलते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं को, बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। हाँ देखिए, हम एक बिंदु से एक रेखा खींच सकते हैं, ठीक है, लेकिन किन्हीं दो बिंदु, जैसे कि ये एक बिंदु है और एक ये बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ इसमें जो है हम सिर्फ एक ही रेखा एक दूसरे को हम गुजर सकता है, मतलब ज्वाइन कर देंगे तो सिर्फ एक ही रेखा होगा, इससे ज़्यादा हम करने के बाद क्या कहते हैं, वो लाइनिंग नहीं रहेगा, प्रॉपर्टी नहीं शो करता उसको, ठीक है। इसको हम अगर ए बी लिख देते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको, देखिए किन्हीं किन्हीं दो बिंदुओं किन्हीं दो बिंदुओं से केवल केवल एक ही रेखा खींची जा
सकती है, खींच सकती है दूसरी रेखा के लिए अन्य दूसरी रेखा के लिए अन्य दूसरी बिंदु से होकर गुजरना होगा, ठीक है, गुजरना होगा तभी हम क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं एक दूसरे बिंदु क्या कहते हैं, तब दूसरा बिंदु हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक बिंदु से क्या देखें हम कि एक बिंदु सिर्फ एक ही हम रेखा खींच सकते हैं, नहीं तो प्रॉपर्टी अगर फिर हम खींच दें तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्रॉपर्टी सो ही नहीं करेगा, उसको तो एक ही कहेंगे हम, दूसरा भी खींचते हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। अब चलते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में चलते हैं तो देखते हैं पहला। चलते हैं, दो रेखाओं के काटने पर, दो रेखाओं को काटने पर बनने वाली विपरीत कोण, बनने वाली विपरीत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं यदि, देखिए इसमें हम लिख रहे हैं क्या, दो रेखाओं के काटने पर बनने वाले विपरीत कोण बराबर होते हैं, एक रेखा ये हो गया दूसरी रेखा ये हो गया, ठीक है। तो एक रेखा क्या है, ये जो है ना ये बिंदु पे काट रहा है, तो विपरीत कोण इधर का कोण जो हुआ इधर का कोण सेम हो जाएगा, ठीक है, और इधर का कोण और इधर का कोण सेम हो जाएगा, इसका विपरीत है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, पी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो रेखाएं, तो दो रेखाएं क्या हो जाएगा, एक रेखा तो पहले तो हम कोण बता देते हैं, पी क्यू का इसका जो कोण है, इसका कोण इक्वल हो जाएगा कौन सा कोण, आर ओ एस, एक ये हो गया, एक दूसरा कौन सकते हैं कोण, कोण को दर्शाते हैं, और जिस कोण जो कोण होता है जहाँ पे सेंटर बनता है हमारा उसको बीच में रखते हैं कभी भी जहाँ पे भी होगा, तो हम क्या कहते हैं पी ओ आर इक्वल टू कोण क्यू ओ एस, ठीक है। और यहाँ पे रेखा क्या है पी एस, क्या है रेखा पी एस, ठीक है, वो बोल सकते हैं वो QR PS एंड QR क्या हो रहा है, एक बिंदु पर कट हो रहा है, ठीक है।